प्रणाम। कोरोना वायरस लॉकडाउन आत्मचिंतन का आज का चौथा ऑडियो। समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। मंगल और चंद्र पर जीवन खोजने वाला आदमी सूक्ष्म और आंखों से दिखाई भी ना दे सके वैसे विषाणु के सामने जंग लड़ रहा है। जो आज दिनों तक ऐसे बोल रहे थे, मैं धर्म क्यों करूं, स्वर्ग नर्क परलोक आत्मा ये सब किसने देखा है, ऐसे सवाल करने वाले भी समझ गए होंगे, कोरोना वायरस को देखा भी नहीं फिर भी कामकाज छोड़ के घर पे बैठना पड़ रहा है। सदियों तक इतिहास में ना देखा है ना पढ़ा है ना सुना है, ना बारिश में ना कोई विश्व युद्ध में ना ही स्वातंत्र युद्ध में। आज तक देश और मुंबई की ट्रेनें कभी नहीं रुकी, पर आज ये भी अच्छेरा देखने मिल गया। आज ही मैसेज में पढ़ने आया, थोड़े दिन सब्जियां, लिलोत्री फल नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कठोल पर भी जीवन बिताकर रह सकते हैं, घर में बाहर ना निकले उसी में समझदारी है। तब परम पूज्य आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वरजी महाराज साहब के शब्द याद आए, रोगों के डर से इंसान ने खाना बंद कर दिया, पर मौत और दुर्गति के डर से पाप करने का बंद नहीं करता है। ये कैसा आश्चर्य है ना। अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाने वाले हम यकीनन पंचेंद्रिय चौरिंद्रिय यहाँ तक कि तेंद्रिय जीवों की भी रक्षा करते हैं, पर एकेंद्रिय और बेंद्रिय जीव जो दिखाई नहीं देते उनकी रक्षा का क्या। कंदमूल कितने रस से खाते हैं, ब्रेड बर्गर पाव पिज़्ज़ा सिर्फ नाम सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है ना। बिना छाने पानी पीना, घर के नल के गन्ने नहीं बदलना, साफ सफाई बराबर ना हो तो नील और जाले होने की कितनी जीवों की विराधना करते हैं। क्या सिर्फ जीव दया के टिप में नाम लिखाने से हमारी फर्ज पूरी हो जाती है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, इसीलिए अपने घर से जीव दया पालने की शुरू करेंगे तो कहीं जाके पाप अटकेगा। एक छोटे बच्चों जैसी एक कहानी रजू करती हूँ। यदि हमारे ज्ञाति के हो पर हम नहीं जानते हो और वे कहीं देश विदेश में दूर रहते हो और उन पे कोई आपत्ति आए या बिन अपराध उन्हें सजा मिलती हो, तो उसी ज्ञाति के सब लोग अपने अपने मोहल्ले में इकट्ठे होकर उनकी मदद में मोर्चा निकालेंगे या अपनी ओर से जो हो बन पड़े वे मदद करेंगे, बराबर ना। कुछ ऐसा ही हुआ है जीवों की भी फैमिली में। पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय जीव किसी को भी मनुष्य ने छोड़ा नहीं, उसमें हमने तो जैन होकर भी एकेंद्रिय जीवों को भी कितना दुभाया होगा, सोचना जरूर। बस इसीलिए उनके ज्ञाति में से कोरोना आया है सबका बदला लेने। अभी हमें हमारी रणनीति तय करनी है, हमें आगे युद्ध को और बढ़ावा देना है या उनसे सुलह करनी है, और इसीलिए आओ आगे की भावधारा में बढ़ते हैं। सातवीं भावना आश्रव भावना। आश्रव यानी शुभ और अशुभ कर्मों को आत्मा में आने का द्वार, परंतु यहाँ अशुभ कर्मों पर गौर किया जाता है। हमारी हालत छिद्र वाले नौका जैसी है, उसके काने से नाव में पानी आता ही रहता है। वैसे हमारे रोज की प्रवृत्ति से पुण्य कम और पाप का इनफ्लो होता ही रहता है। हमारी धर्म क्रिया रूपी वाटी से जितना भी पानी नाव से बाहर फेंकेंगे उससे ज्यादा कई गुना स्पीड से पाप रूपी पानी वे छिद्र से अंदर आ रहा है। इन दिनों में हम चाहे तो पाप रूपी पानी का फ्लो रोक सकते हैं और रोक ही रहे है ना। वाहन नहीं यूज कर रहे, स्विमिंग पूल नहीं यूज कर रहे, होटल बंद, अरे कोई कोई बिल्डिंगों में तो लिफ्ट भी बंद हो चुकी है, अभक्ष्य बंद, थिएटर बंद, विदेशागमन बंद, किटी पार्टी, मदिरा, डिस्को पार्टी ये सब बंद। अर्थात द्रव्य पाप होने से तो हम बच गए, पर अब भावों से जो पाप बांध रहे हैं उसका क्या। तो अभिग्रह रूपी पचकान करके पाप का इनफ्लो भी हम बंद करें और जीवों की विराधना से बचकर जीव दया ज़्यादा से ज़्यादा पालकर पुण्य उपार्जन करें और विश्व में शांति पहुँचा है यही मंगल कामना करते हैं। पाप का इनफ्लो तो कम हो गया, पर पहले पाप बांधे होंगे उससे कैसे बचे, ये सुनने हमारे अगले ऑडियो का इंतज़ार ज़रूर करना।